गंगामहे निधि नाम का निधिपति गंगामहे प्रिय नाम का प्रियपति गंगामहे। शादी के बाद अब ससुराली तुम्हारा घर और पति परमेश्वर। हर लड़की को एक ना एक दिन अब उनका घर छोड़ना ही पड़ता है। सोना इधर आओ, इधर आओ। सोना पिछली जिंदगी को भूल जाओ और एक नया जीवन शुरू करो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। और हां, उस घटना को कभी याद ना करना। कितने रुमालों पर काट लिया है? दो दर्जन रुमालों पर। दो दर्जन? तुम्हें इतनी फुर्सत मिल जाती है जो? दिन में मुझे क्या काम रहता है? जब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा ना, तो तुम्हें पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी। चलो हटो, आपको तो ऐसी ही बातें सोचती हैं हर घर। आप मानते क्यों नहीं? माता जी ने अगर देख लिया तो क्या सोचेंगे अपने मन में? राजेश बेटा, लौटते वक्त मेरी दवाई जरूर लेते आना। अच्छी बात है मां, लेता आऊंगा। जब कोई तीसरा आ जाएगा ना, तब एक पल को भी फुर्सत नहीं मिल पाएगी तुमको। सलाम डॉक्टर साहब, सलाम, शादी का मुबारक। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। बोलो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो ही अपना मारा मारी पिए ला था, हजम कर नहीं पाया। अब्दुल, तुम दारू पीना क्यों नहीं छोड़ देते? शादी कर लो, घर बसा लो, बहुत सुखी रहोगे। डॉक्टर साहब, सरकार बोलता छोटा परिवार सुखी परिवार, इसीलिए अपन शादी करने को नाए मांगता है। ठीक ही तो कहते हैं अब्दुल, छोटा परिवार सुखी परिवार। नाए डॉक्टर साहब, नाए, अपन को तो बड़ा परिवार मांगता है। क्यों?
लाइन लगाने के लिए। लाइन? किस बात की लाइन? राशन का लाइन, दूध का लाइन, तेल का लाइन, पाव का लाइन, टिकट का लाइन, रेल का लाइन, लाइन। अच्छा बताओ कहाँ लगी है? यहाँ लगी है डॉक्टर साहब। बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? बुरा क्यों मानोगी? नहीं कुछ बात ही ऐसी। तुम ये क्यों भूलते हो? तुम्हारी हर बुरी और अच्छी चीज पर मेरा अधिकार है। क्यों क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज में एक लड़की थी जो मुझे बेहद पसंद थी, बड़ी भोली और भली लगती थी, लेकिन कई बार चेहरे के दर्पण में मन की परछाई तक नजर नहीं आती। मैं भी धोखा खा गया। उसे कभी ये फूल तो कभी वो फूल सूंघने की आदत थी। ये जानकर मेरा दिल टूट गया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई? नहीं। तुमने कभी किसी और की तरफ प्यार भरी नजरों से नहीं देखा? नहीं, मेरी जिंदगी के खुले आंगन में तुम ही प्यार की पहली बूंद हो, वर्षा की पहली रफ्तार हो। मेरे देवता में तुम्हारी दासी, तुम्हारी रही रहूंगी।
खाना नाश्ता जल्दी ले आओ, देर हो रही है। ओहो, कितनी देर कर दी। सोचा बॉम्बे आया हूं तो तुम्हारा घर भी होता, चलो। वाह वाह वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल हाउस, वेरी नाइस। अरे बहू, कौन आया है? मैं हूं सोना का मामा। बहू, अपने मामा को बिठा, मैं अभी आई। लगता है तुम्हें अपने मामा से मिलकर खुशी नहीं हुई। अगर तुम बोलना नहीं चाहती हो तो एक गिलास पानी तो पिला सकती हो कम से कम। बड़ी प्यास लगी है तुम्हारे घर ढूंढते ढूंढते। अरे वाह, खूब दर्शन हुए आपके। दर्शका जी, पहले क्यों नहीं खबर कर दी आपने? जो बात ऐसी थी कि मैं। अरे बहू, कहाँ गई? सोना की शादी में आपको नहीं देखा था, कहीं बाहर गए थे क्या? जी हाँ, मैं नेपाल गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, तू इनसे बातें कर, मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सोना, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस पहली मुलाकात के बाद मेरा एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब तुम्हारी याद ना आई हो। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति मुझे बेहद प्यार करते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। सो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर मेरा क्या होगा? Shut up! अच्छा, as you please, okay? तस्वीरें हैं, तुम्हारी ही है। अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम्हारी सास को या तुम्हारे हस्बैंड को प्रेजेंट कर देना चाहता हूं, क्या ख्याल है? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहते हो? हाँ, और वो पिताजी पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या हाल है, और वो बहन जी वगैरह सब ठीक है ना? सोना, तू अभी तक अपने मामा जी से नाराज है? रूठना तो इसकी पुरानी आदत है बहन जी। वो इसकी शादी में मैं प्रेजेंट नहीं दे पाया था ना, और अब सोना कहती है कि मैं यहीं ठहर जाऊं। अरे भैया, ये घर भी तुम अपना ही घर समझो। वो तो है ही। अरे रे, ये टेलीफोन भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है। हाँ सच्ची बात है, कभी कभी बहुत मुसीबत कर देती। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो?
ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं रुकूंगा, मगर एक शर्त है। मैं अजंता होटल के रूम नंबर 111 में ठहरा हुआ, वादा करो कि तुम वहां होगी ठीक 8 बजे। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश कोशिश नहीं, कहो आऊंगी, वरना मुझे ही ठहरना पड़ेगा। अच्छा मैं आऊंगी। हेलो, हाँ हाँ मैं कह दूंगी। अरे आपने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं। जी मैं खा भी कैसे सकता हूँ, सोना का मामा जो ठहर। खैर आप कहती है तो ये चाय पी लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ ठहरूंगा नहीं। आप तो नए जमाने के होकर पुराने जमाने की बातें करते हैं, ये बड़े शहरों में इन पुराने रीति रिवाजों को अब कौन मानता है। माँ बाप की पसंद भी तो अच्छी हो सकती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब देखो ना सोना और राजेश की शादी हम सब की मर्जी से हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, फिर भी दोनों की आपस में खूब बनती है ना बहू। फिर तो पुराने रीति रिवाजों को मानना ही पड़ेगा। ये लो सोना, अपने मामा की तरफ से एक मामूली सी भेंट। अब की बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया साड़ी लाऊंगा, फिर तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। ओके बेबी। अच्छा मैं अब चलता हूँ बहन जी। अच्छा राजेश से भी मिलके जाते, फिर कभी आ जाऊंगा, अब तो अपना ही घर है, कभी भी आ सकता हूँ। अच्छा जी। अच्छा नमस्ते। ओके सोना। ये 11 रुपए टैक्सी का भाड़ा है, बाय बाय। तुम सोना कहाँ है? अपने कमरे में। तबीयत तो ठीक है? नहीं तबीयत ठीक नहीं है। देखो सोना मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आज हमारे आने पे तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? इसलिए हम आपको सजा देंगे श्रीमती जी। सजा देने से कम मेरी तबीयत के बारे में तो पूछ लिया होता श्रीमान जी। हाँ माँ ने कुछ कहा तो था, लाओ देखें। तुम्हारा बदन ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म, कुछ बीच का टेम्परेचर लगता है। अब तक मैं 3 बार उल्टियां कर चुकी हूँ। बाप रे बाप, 3 बार? फिर कोई गड़बड़ हो सकती है तो वो तुम्हारे पेट में होनी चाहिए, शायद कोई मुझसे नमस्ते कह रहा है। क्या कहा? मम्मी से भी कह दो। क्या कहूं कि वो बिल्कुल चिंता ना करे। अच्छा अच्छा कह देता हूं, सुना तुमने, कोई कह रहा है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरे जी मिचला रहा है। अब रहने दो, अब उठो जल्दी से चूरन फांक लो और तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाया हूं। अच्छा। खास किसी पार्टी के लिए। साड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज मैं आपके साथ पार्टी में नहीं जा सकूंगी। अच्छा बाबा पार्टी में मत चलो, लेकिन क्या तुम ये साड़ी ऐसे ही ले लोगी? एक चुंबन भी नहीं दोगी? हेलो डॉक्टर राजेश, कौन? इज ही सीरियस? अच्छा मैं अभी आता हूं। डार्लिंग डॉक्टर की जिंदगी सुख का दान करने के लिए होती, सुख भोगने के लिए नहीं। अ पेशेंट इज सीरियस एंड ड्यूटी इज ड्यूटी, लेकिन तुम आराम करना, घूमना फिरना बिल्कुल नहीं। मैं जल्द से जल्द पार्टी से होके आता हूं। ओके मैं प्रेमदत्त बोल रहा हूँ, तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। आई एम वेटिंग फॉर यू।
Yes. I'm just coming. यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुणी निज कर ग्रह परिचर जा करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि महलों में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सेवा करने में चतुर हैं, तो भी सीता जी अपने हाथों से घर की टहल करती हैं। माता जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? तूने दवा पी? हाँ। तो फिर ठीक है, जा सो जा, अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। अच्छा। और श्री रामचंद्र जी धर्मदास जी, कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा और उसका इंतजार कर रहा हूँ। सेठ जी, जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है। देखो, अकेले मत आना। हाँ, आती होगी, अभी आती होगी, आप घबराइए मत। तो आपके यहाँ ले आऊं? हाँ हाँ सेठ जी, घबराइए मत, अभी सब कुछ हो जाएगा। ओके देन, सी यू। कौन है? कम इन। आइए 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 सोना जी, आइए, अपने मामा का घर है, तशरीफ रखिए। किसी ने फरमाया है, तुम्हारी बेरुखी ने लाज रख ली वादा खाने की, तुम आंखों से पिला देती तो पैमाने कहां जाते। क्लेम, मेरी तस्वीरें कहां है? इतनी जल्दी भी क्या है, मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र करो। अब तुम आई हो तो मुझे भी अपना एक वादा पूरा कर लेने दो। कौन सा वादा? कमाल है, तुम भूल गई, मैंने तुम्हें फिल्मों में काम दिलाने का वादा किया था। लेकिन अब मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। कोई बात नहीं, तुम फिल्मों में काम मत करो, मगर मेरा काम तो करती जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। आज नहीं। क्यों, आज क्यों नहीं? आज मेरी तबीयत खराब है, दो चार दिन बाद। तो फिर तस्वीरें भी दो चार दिन बाद ही ले जाना। क्यों, एनीवे कुछ देर के लिए बैठो तो सही, प्लीज सिट डाउन। मैं बहुत देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। अरे दो मिनट के लिए बैठने में क्या जाता है, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। अदा से देख लो जाता रहे गिला दिल का, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। हेलो, कौन? सेठ जी। अरे भाई, कब आ रहे हो? अरे सेठ जी, अभी तो आपने टेलीफोन किया था। क्या कहा? आंखों की जलन बढ़ती जा रही है। आंखों की जलन बढ़ती जा रही है? अरे आप घबराइए नहीं, अभी मैं गुलाब जल लेकर आता हूँ।
जल्दी आओ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके सी यू गुलाब जल। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्यों ड्रामा करती हो, चलो ना, कम ऑन प्रेम। अरे घबराओ नहीं, क्या देख रहे हो, चलो। प्रेम, माय हस्बैंड, जल्दी चलो। अरे आइए प्रेम साहब, आइए बैठे यार। अरे ये वन फोटो। अरे रहने दे यार, क्या कमाल करता है। फोटो ले लिया, फोटोग्राफर की फोटो। तुम घबराती क्यों? Everything will be all right. अरे डॉक्टर पटेल, हाउ आर यू? थैंक यू। बहुत देर हो गई है, आई वाज वेटिंग फॉर यू। डॉक्टर लाइक हेलो पटेल साहब, हेलो डॉक्टर साहब, क्या हाल है? हाय डॉक्टर साहब, क्या बात है? ऑल योर फ्री शॉट। डॉक्टर यार, राजेश आप क्या कर रहे हैं? आज तुम भाभी को भी साथ ले आते हैं तो मजा आ जाता। इसी बारे उनके दर्शन हो जाते। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी यार। सुना है हमारी भाभी बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है उनका? सोना। बहुत खूबसूरत नाम। हाँ भाई, शादी के शानदार मौके पर एक दिन दावत भी हो जाए। पार्टी मत भी दे। हाँ यार, तुम्हारा अपना ही घर है, जब मूड हो चले आओ। लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? तुम्हें एक शानदार दावत देनी होगी, वो भी एक शर्त पर। खाने की सब चीजें भाभी के हाथ की पकी होनी चाहिए। सुना है हमारी भाभी खाना बहुत क्लास पकाती है। तुम्हें कैसे पता लगा? लो, इनसे मालूम नहीं पड़ता क्या? तो क्या तुम समझते हो सब तुम्हारी तरह पतले ही रहे? इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक भाग्यवान पति हूँ। सोना जैसी नेक और सुशील पत्नी बहुत ही नसीब से मिलती है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा। खैर, आप लोगों की दावत पक्की। थैंक यू। तो कौन से दिन की दावत रखी? संडे। मशकूर को बुला लेना। हाँ। हाँ? मैं राजेश से पूछ लेता हूँ। राजेश, अंडे पका रहा है। कहाँ चले राजेश? आज आइए डॉक्टर, सही बैठिए। माँ, सोना की तबीयत कैसी है? अच्छी है। कहाँ है वो? उसे जरा बुलाना तो सही, कुछ काम है। बेटा तू चिंता मत कर, वो अपने कमरे में सोई हुई है। तबीयत कैसी है? ठीक है। जानती हो, आज मैं जिस पार्टी में गया, मैंने वहां एक लड़की देखी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैं सोच में पड़ गया कि तुम वहां कैसे हो सकती हो। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन मेरे वहां जाने से पहले ही वो गायब हो गई। मैं सोच में पड़ गया। उसके बाद मैंने मम्मी को फोन किया तो पता चला कि तुम अपने कमरे में सो रही हो। तुम जान नहीं सकती कि मेरे दिल को कितना आराम मिला। अरे हाँ,
देखो मैं क्या लाया हूं। बताओ ये किसकी तस्वीरें हैं? देखो देखो ना। पसंद आई? आज याद आई तो लेता आया। सोना तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे कभी रूठोगी तो नहीं? चंदा से कभी चांदनी रूठी है जो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी? तुम तो कभी कभी अच्छी खासी कविता कह लेती हो। सुनाओ कोई कविता सुनाओ। नहीं फिर कभी। अगले एतवार को मैंने अपने कुछ दोस्तों और पहचान वालों को पार्टी दी है, उस दिन इनकार नहीं कर सकोगी? अरे हाँ, मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गया कि उनको पार्टी दूं या नहीं। इसमें पूछना क्या? आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सेठ जी? आओ आओ। कहाँ है मेरा गुलाब जल? क्या बताऊँ सेठ जी, रात बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अपने सारे प्रोग्राम का घोटाला हो गया। वरना ऐसे ही लटके तुम सुनाते रहना, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। नींद की गोली के बिना मैं सो नहीं सकता। मगर मुझे तो लगता है अभी भी इस शीशे में नींद की गोली बाकी है। अरे इन बेजान गोलियों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होता। जीती जागती गोली कब ला रहो ये बताओ। अरे सेठ जी आप परेशान क्यों होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जरा सा काम तुम नहीं कर सकते? कल ही फिट कर देता आपका भाई। हाँ करो जल्दी। गुड इवनिंग मैडम, कैन आई हेल्प यू? गुड इवनिंग मिस्टर प्रेमदत्त, इज देयर? जस्ट गॉन आउट, ही विल बी बैक विद इन 5 मिनट्स। कैन आई गिव हिज रूम की प्लीज? And he told me to give you the keys and he will be back within 5 minutes. शादी का घर का खाना खाकर तू भी मोटा हो जाएगा। नहीं माम, मुझे बकवास हो ही ना बना क्यों। हेलो दिनेश। हेलो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। कम आई इंट्रोड्यूस यू टू माय वाइफ। सो नाउ मीट माय फ्रेंड दिनेश, अ वेरी गुड मैन एंड एन इक्वली गुड फ्रेंड, माय वाइफ। सो चलो उधर चलते हैं। यार गाओ दिनेश, भाभी ने अपने हाथों से। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश की है? आइए सर जी आइए। कैसी तबीयत है डॉक्टर? तबीयत तो ठीक है लेकिन नर्वसनेस अभी भी है। वो भी ठीक हो जाएगा। आइए मेरे पीछे चले लिए। सोना ये है सेठ धर्मदास जी, लोहे के बहुत बड़े व्यापारी, फिल्मों में फाइनेंस करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पेशेंट भी है। सेठ जी आपने कौन कौन सी फिल्मों में फाइनेंस किया? सब बड़ी बड़ी फिल्में जिसमें राजेश खन्ना काम करता है, साथी मेरे हाथी, पतंग कटी। आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू। आइए। थैंक यू थैंक यू। घर पे सब ठीक है? जानकी दास अंदर आ सकता है? आइए दास बाबू, आइए आइए आइए। कैसे आप? अच्छा ये है मेरी बीवी, ये है मिस्टर दास।
इज एन MA LLB वेरी सीरियस पर्सन. इनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती. हंसी आए भी तो कैसे, असल में अंदर से सब दुखी हैं. उन सब में से एक मैं भी हूँ. तभी तो मैं हमेशा बड़बड़ाता रहता हूँ. चार दिन की चांदनी फिर जान की दाल. ये लीजिए थोड़ा सा दुख मैं दूर कर देता हूँ. कुछ खा लीजिए. ऑलराइट रिलैक्स फ्रेंड रिलैक्स. अब डॉक्टर बचना टाइम में आने का. ओ यार गाड़ी पंचर हो गई थी. काफी बदल गई है शादी के बाद. अच्छा और मैं तुम्हें बाकी के मेहमानों से मिलवाऊं. ये है सेठ धर्मदास और ये है मिस्टर दास और ये है मेरे दोस्त अमर. वकालत करते हैं. सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में इनका कोई जवाब. समझे यार. मैं भी तो वकील हूँ मगर मैं हमेशा सच को सच और झूठ को झूठ ही बताता हूँ. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साहब. बैठ जाइए. आप वकालत करते हैं. आपको तो फिल्म में काम करना चाहिए. आप मेरी पिक्चर में काम करेंगे. मेरी पिक्चर का नाम है सच को झूठ और झूठ को सच. नहीं नहीं इनकी पिक्चर का नाम होना चाहिए सच को सच और झूठ को झूठ. क्यों, मैं फिल्म का फाइनेंसर हूँ. जो नाम रखूंगा पब्लिक उसी नाम से देखेगी. आप नाम हमेशा सच्चाई की फतह होती है झूठ की नहीं. वाह वाह. मैं जो नाम रखूंगा पब्लिक उसी नाम से पिक्चर देखेगी. आप नाम लेने वाले कौन हैं जी? जी 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 नाम से बैठिए. राजेश ये मेरी बचपन की सहेली है पद्मा. और ये मेरे बचपन का दोस्त है अमर. हाँ ये भी खूब रहे. हम दोनों बचपन के दोस्त और ये दोनों बचपन की सहेलियां. व्हाट अ कोइंसिडेंस. सुना तुम्हें पता है ये जो अमर है ना अपने आप को वकील समझता है. बड़ी ऊंची चीज है छेपिटे. यू नो ये समझता है कि जिसे भी चाहे फांसी पे चढ़ा सकता है जिसे भी चाहे फांसी से उतार सकता है. क्या बात है. लेकिन आप जरा बच के रहिएगा. आपसे जी नहीं मुझसे नहीं मुझसे नहीं. ये करे मैं या तुम? तुम. सुनो ये है ना ये मेरा लंगोटी यार. लेकिन मैं क्या बताऊं मुझे पता है इसने डॉक्टर के पास की. अगर मैं जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए जानवरों का पर किसी दिन सलाह इंसानों का बन गया. लेकिन आपकी बीमारी में कोई काम नहीं आएगा. डार्लिंग क्यों मुझे तंग कर रहे हो. कम सुना लेट्स गो लीव द फोन टू देम. आज यू आर देयर. सुना राजेश तुम्हें बहुत प्यार करता है क्या? हाँ और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ. मुझे बिन मांगे जीवन धन मिल गया है. अच्छा तू अपनी कह सुखी है ना? बहुत सुखी हूँ. भगवान ने मुझे गढ़े से बचा लिया. कभी कभी सोचती हूँ कि वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जान ले लूं. बस बस अब तू किसी की जान लेने की बजाय किसी को जन्म देने की बात सोच. तू लड्डू कब खिला रही है? नहीं खा. ऐसे नहीं तो फिर कैसे? समझी नहीं मैं. इतनी ना समझ कब से बन गए हो तुम? तुम दोनों का प्यार कोई फूल नहीं खिलाएगा क्या? फूल? कैसा फूल? अरे मेरी सोन चिड़िया राजेश की माँ दादी कब बनेगी? और ये है उनकी होने वाली पत्नी. एक्सक्यूज मी भाई साहब. सोना भाभी दिस इज बैड. कभी कभी हमारा भी ख्याल कीजिए. हमारे ख्याल आप नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी. अच्छा सजा? बिल्कुल. और नहीं तो क्या आप हमारी दीदी को हमारे आंखों के सामने लेकर गायब हो गए. ये कोई मामले जुर्म है. इसके लिए आपको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए. बोलिए क्या सजा देंगे आप? सोना भाभी आपको सिर्फ एक छोटा सा गाना सुनाना होगा. लेकिन अमर भैया मुझे गाना नहीं आता. सोना इनकी मान ले वकील साहब है किसी तेरे काम आ जाएंगे. स्वीट हाँ तो भाई दिनेश मेरी बीवी यानी तुम्हारी भाभी तुम्हें कैसी लगी? यू आर ए लकी हस्बैंड यार. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड. लेकिन राजेश भाभी को पहले भी कहीं देखा है? कहाँ? शायद होटल में. होटल में? होटल में? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी दिनेश. मुझे भी एक दिन बिल्कुल ऐसी गलतफहमी हुई थी. इट इज इम्पॉसिबल बिलीव मी.
आई एम श्योर यार, मुझे गलतफहमी नहीं हुई। सोना तुम्हें क्या हुआ, गाओ ना। क्या कह रहा था तुम्हारा वो दोस्त? नथिंग इम्पोर्टेंट, दोस्तों के बीच तो हजार बातें होती हैं। गाओ। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन। सोना भाभी बहुत पसंद आई। राजेश भी उनकी बहुत तारीफ कर रहा था। डार्लिंग, आप मेरी तारीफ कभी नहीं करते। अरे अपनों की कोई तारीफ करता है? अच्छा चलो मैं तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ। माय लव, माय कस्टर्ड पुडिंग। hmm.
That's it. का पति हूं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर गुप्ता, अमर गुप्ता। एक्सक्यूज मी। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। आपकी तारीफ। मैं पद्मा का मामा, यानी कि मामा का लड़का। ओह, आई सी। मेरा नाम प्रेमदत्त है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर। दो मिनट है ना भैया। नहीं नहीं, जाइएगा मत, आप हंस रही है ना। व्हाट्स अप पद्मा लव, बट आई एम वेरी सॉरी, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, फिर कभी आ जाऊंगा। ओके ओके, हाँ ये कार्ड रख लीजिए, इट माइट हेल्प यू नाउ। थैंक यू वेरी मच, तो आना ही पड़ेगा। ओके जी, वेलकम अगेन, सी यू। अरे बहू, जरा देख के चल, आजकल तुझे क्या हो गया है? हाथ से प्लेट फिसल गई। दूसरा टोस्ट खाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अमर मेरा इंतजार कर रहा होगा। हेलो डॉक्टर राजेश, होल्ड डाउन। आपका फोन। हेलो सोना, तुम अभी आ सकती हो? क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ जरूरी काम है, शाम को इनके साथ आ जाऊं तो? अच्छा जल्दी आना, फिर बात करेंगे। आज शाम को पद्मा के यहाँ चल सकोगे? सोना यही बात तुम मुस्कुराकर भी कह सकती थी। तुम्हें मेरी मुस्कुराहट देखने की फुर्सत है? इधर आओ। थोड़ी सी शक्कर खाओ और कोई मीठी बात करो। वकील साहब हैं? कौन है भैया? आप कैसे हैं? बाबू जी आपकी तबीयत कैसी है? अरे तू इतनी सीरियस क्यों है? सीरियस और मैं नहीं तो? अरे सुनो बाबू, इसकी सूरत ही ऐसी है, बच्ची स्वीट। अरे हाँ, मीट मिस्टर पेंदन, हमारी बीवी के ममेरे भाई है। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, ये जरूर हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ही घुमक्कर आदमी। चल सोना, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। हाँ जा रहे हैं, ये ग्रुप फोटोग्राफ तो हो जा। अरे हाँ, ये तो दर का पुताल था। थैंक यू। दो मिनट। आइए आप लोग खड़े हो जाइए। हाँ कमान कमान, राजेश आजा। यार हमार मैं चश्मा उतारू। हाँ उतार लो। जीजा जी आप थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ एक मिनट यार। पद्मा भी मोर। सोना जी पल्लू से सर को ढकिए। या लाइक दैट, बहुत अच्छी लगती है साड़ी में, हिंदुस्तानी औरतें बहुत अच्छी लगती है। व्हाई नॉट व्हाई नॉट। हाँ जरा ऊपर करो। हाँ ओके नाउ रेडी। दैट्स राइट, गिव अ स्माइल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू नो इज रियली वेरी गुड। हां वेरी गुड वेरी गुड। राजेश डालेंगे एक कप चाय हो जाए। अरे आप अभी तक इस शैतान ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा? नहीं, मुझे लगता है इसने तेरा भी पीछा नहीं छोड़ा। क्या मतलब? देख तू इसके साथ क्या कर रही है। अब मैं तुझसे क्या छुपाऊं पद्मा, लगता है मेरी जिंदगी की किताब के सारे पन्ने उलट पुलट हो गए हैं। जिसको ढूंढती हूं उसके बजाय वो मिल जाता है जिसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहती। मेरा भी यही हाल है,
न जाने कल रात अचानक कहां से टपक पड़ा। सोचती हूँ कि क्या किया जाए। सोना, ये बदनसीबी तो हम दोनों के माथे पर लगी है, हमें मिलकर ही धुनी होगी। हाँ सोना, मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल मत घबरा। प्रेमदत्त बड़ा ही दिलचस्प आदमी है। क्यों आज तुम बड़ी चुप हो? नहीं तो मैं अभी आया। Thank you.
यहाँ से क्यों आ गए? चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। किसका खून कर दोगी? क्या हो गया है तुम्हें? न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मुझे माफ कर दो राजेश, मुझे माफ कर दो। देखो सोना, मैं तुम्हारे लिए एक नया कैमरा ले आऊं। यशिका है, यशिका। बहुत दिनों से सोच रहा था इसे खरीद लूं। चलो सबसे पहले मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूं। चलो मुस्कुराओ, कम ऑन। नहीं नहीं, मुझे तस्वीरें नहीं खिंचवानी है। अब तो मैं इस रोशनी को देखते ही डर जाती हूँ। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? शायद तुम परेशान हो। तुम मुझे और परेशान मत करो राजेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिंदगी कभी कभी एक बोझ बन जाती है। हेलो, मे आई टॉक टू मिसेस नंदा? जस्ट अ सेकंड। तुम्हारा फोन। हेलो। देखो सोना, मैंने फैसला कर लिया। क्या? तुम्हारी तस्वीरें वापस करने का। सोना देखो, कल रात बहुत देर तक सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे तुम जैसी शादीशुदा औरत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि पुणे जाने से पहले तुम्हारी तस्वीरें वापस कर दूं। सुन रही हो ना? हाँ, मैं कल सुबह की गाड़ी से जा रहा हूं, इसलिए आज रात को आकर तुम अपनी तस्वीरें वापस ले जाना। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तुमसे मतलब? मां से कहना कि मैं देर से आऊंगा। डॉक्टर साहब, सलाम। आपके कहने पर मैंने अपना घर बसा लिया है और अब मैं बहुत खुश हूं। खुदा ने मुझे एक नेक बीबी दी है।
फोटोग्राफ्स लाओ। देते हैं सोना, तुम्हें देने के लिए तो बुलाया है। आखिरी मुलाकात है, मेरे लिए एक घूंट शराब तो पीती जाओ। थैंक यू। इतनी सी बात कहने के लिए इस टीन के खिलौने को दिखाने की क्या जरूरत है? ये खिलौना नहीं है, असली है। अगर तूने मेरे फोटोग्राफ वापस नहीं दिए तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। नहीं सोना, नहीं, तुम किसी की जान नहीं ले सकती। देखो तुम्हारा हाथ कांप रहा है। Extremely sorry, doctor, that I couldn't make it the other day. Well, you can call it due to certain domestic problems. You understand. Well, I'll try to make it the next time. Anyway, thanks a lot. Bye-bye. See you. Chaliye, khana kha lijiye. तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मर्जी आपकी।
मुझे सचमुच भूख नहीं है। ठीक है, अगर भूख नहीं है थोड़ा बहुत सूप तो पी लो। हेलो, कौन अमर? बोलो यार, कैसे याद किया? क्या? अच्छा, ओके। याद है उस दिन अमर क्या एक आदमी मिला था? कौन? वही तुम्हारी फ्रेंड पद्मा का कजन। क्या नाम था उसका? प्रेमदत्त। क्या हुआ उसको? उसकी हत्या हो गई। विश्वास किया है, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं अभिमान भी है। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर हर पति को अपनी पत्नी पर अभिमान होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई बात तुम्हें आरी की तरह काट रही है। बताओ सोना, बताओ वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? मैं तुम्हें अपने दिल की गहराई से चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। लेकिन मैं हमेशा झूठ बोलती आई हूं। उस रात तुमने मुझसे एक लड़की के बारे में बताया था और जानना चाहा कि शादी से पहले कोई आदमी मेरे जीवन में आया था या नहीं। उस वक्त सबसे पहला झूठ बोला, लेकिन मेरे मन में उसकी इज्जत थी, कोई ऐसी वैसी भावना नहीं। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैंने प्यार किया है तो सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे। तुम्हारे प्यार की सौगंध सोना, मुझे तुम्हारे प्यार पे पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी श्रद्धा के काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझे सहारा दो। ये जानने के बाद कि शादी से पहले प्रेमदत्त ने मेरी नंगी तस्वीरें ली थी, तुम उसे प्यार कर सकोगे? हाँ, उसके सामने मैं एकदम नंगी हो गई थी। मैं एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। जिंदगी है जीने को, प्यार की मैं पीने को। जिंदगी है जीने को, प्यार की मैं पीने को। बाहों में हो बाहें, निगाहों में निगाहें, खुशी के तरह हो प्यार की हो रहे। जिंदगी है जीने को, प्यार की मैं पीने को। कहानी चार दिन की प्यार।
भरी है ये सारी जिंदगानी। Life is to enjoy. जिंदगी है जीने को, प्यार की मैं पीने को। शाम हो हसीनों के सहारे, इतने हसीन है जवानी के नजारे। सुबह हो या शाम हो हसीनों के सहारे, दुनिया के झगड़ों में मत फंस प्यारे। लाइफ इज फॉर लविंग बेबी। जिंदगी है जीने को, प्यार की मैं पीने को। पा 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 अभी ये गुस्सा अभी ये नखरे, इसीलिए ये तू जवान है। लेकिन तुझे ये पता नहीं है कितनी जवानी बेईमान है। दामन छुड़ा के जब जाएगी जवानी, अपने ही चेहरे से तू करेगी दीवानी। रखना संभाल के जवानी की निशानी। Life is for living, babe. Zindagi hai jeene ko, pyar ki main peene ko. Baahon mein ho baahe, nigaahon mein nigaahe, khushi ke tarane ho pyar ki ho rahe hai. Zindagi hai jeene ko, pyar ki main peene ko. क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाय सोना। अरे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा तो भूल ही गई। ये मेरे दोस्त प्रेम, बड़े मशहूर फोटोग्राफर हैं, और ये मेरी क्लासमेट सोना। सोना, फैंटास्टिक, वेरी वेरी गोल्डन नेम यू हैव। तारीफ ज्यादा मत करना, नहीं तो कहीं से नजर ना लग जाए। तजुद बहुत ही प्यारा नाम है। वैसे मेरा नाम है मिस्टर प्रेम। डार्लिंग सोना का एक काम कर दो ना। हाँ जल्दी बोलो, मैं तो जगत मामा हूँ, सेवा करना तो अपना धर्म। बस मजाक बंद, सोना को फिल्म में काम करने का शौक है, इसे प्लीज मदद करो ना डालें। अरे वो तो मैं देखते ही पहचान गया था, ऐसी खूबसूरत लड़की को तो जरूर फिल्मों में काम करना चाहिए। फोटोग्राफर है, कायमत की नजर रखते हैं। सुनिए पहले कुछ करके दिखाइए, उसके बाद तारीफ करेंगे। करते हैं करते हैं। क्या मैं सचमुच फिल्म स्टार बन सकती हूँ? ओह श्योर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों डाली? तुमने सोना को आजादी तो दी है तो तुम ही उसकी देखभाल भी करो। उसके ऊपर तो जैसे फिल्मों का भूत सवार है, एक दिन ऐसा ना हो कि वो फिल्मों में काम ही करने लगे। मैं कहती हूँ कोई गलत कदम उठने से पहले उसकी शादी कर दो। शादी? अरे उसे बीए तो पास कर लेने दो। क्या करेगी बीए या एमए करके, तुम्हारी तरह उसको दफ्तर में तो नौकरी करनी नहीं। प्रेमदत्त जी आइए। सोना जी आइए, मुझे और मेरे कैमरे को आफी का इंतजार था। माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, फिल्म स्टार्स हमेशा देर से ही आते हैं। लेकिन मैं तो फिल्म स्टार नहीं हूँ। आज नहीं तो कल बन जाएंगी, इसमें 100% सच। हरीश एक ठंडा कोक लाना। अच्छा अभी लाए। आइए आइए स्टूडियो उस तरफ। आइए, यह है मेरा एक छोटा सा स्टूडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज डाउन।
सोना जी एक बात बताओ, आप बिल्कुल फिल्म स्टार लगती हैं। आप में फिल्म स्टार बनने का हर गुण मौजूद है। आपका चेहरा, आपके बोलने का ढंग और प्रतिभा यानी कि टैलेंट, सब कुछ है आप में। प्रेम बाबू सच सच बताइए, क्या मैं फिल्म स्टार बन सकती हूँ? कमाल है, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरे लिए तो इस वक्त भी आप किसी हीरोइन से कम नहीं। आपकी आंखों में जिंदगी अंगड़ाइयां ले रही है, आपके होंठ एक अजीब तरह की प्यास चढ़ा रहे हैं। मेरी फिगर के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो मैं एक्सपोज होने के बाद ही बताऊंगा। अच्छा नाउ यू लुक फॉरवर्ड। थोड़ा सा राइट को देखिए, थोड़ा लेफ्ट, लेट्स फाइन, थोड़ा गड़बड़ है, प्लीज करिए। हाँ, प्लीज डोंट मूव, डोंट मूव, प्लीज करिए, रेडी। हेलो, हु इज स्पीकिंग? मैं सोना। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे फोटोग्राफ्स कैसे आए हैं? ओह वंडरफुल फोटोग्राफ्स, वंडरफुल। कब देखने आ रही हैं आप? शायद कल। कल? आज क्यों नहीं? ओके, आई विल कम। एक्सक्यूज मी, मेरे यहाँ कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, आप बाद में टेलीफोन करेंगे? थैंक यू, कम ऑन डार्लिंग। हाय। How are you? Very well, thank you. किसी लड़की से बातें हो रही थी। कमाल है, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? प्रेम, तुम कुछ बदल गए हो। मैं नहीं, तुम्हारी निगाह बदल गई है। हम दोनों का तो जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ डार्लिंग। तो फिर हमारे बीच और कोई नहीं आना चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है? सोना जी, एयर कंडीशनर चालू कर दूं या पंखा काफी है? आप मुझे कंबलों में लपेट कर तो तस्वीरें नहीं खींचेंगे? अरे नहीं, सच्चाई को एक्सपोज करने के लिए कंबलों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा? हाँ, क्योंकि सच्चाई सच है और सच हमेशा नंगा होता है। आपके ख्याल में मेरी फिगर क्या बहुत आकर्षक है? मैंने अभी तक आपकी फिगर तो देखी नहीं है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिल्मी दुनिया में सनसनी पैदा कर देंगे। आप कहीं मुझे बना तो नहीं रहे हैं? कमाल है, कुछ दिनों बाद आप खुद ही दुनिया को बनाने लग जाएंगी। आजकल अच्छे अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी लड़कियां फिल्मों में आ रही हैं, और तरक्की के रास्ते पर औरतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। तुम्हें पता है ना, जिस दिन तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम एक नामी फिल्म स्टार बन गई हो, तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत, कार और बंगला है, तुम्हारी तस्वीर देश भर के अखबारों में छपती है, उस वक्त वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे बल्कि प्यार से चूमेंगे। कैसे? प्रेम बाबू, राजेश खन्ना मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अरे तुम्हारे साथ काम करने के लिए बड़े बड़े हीरो लोग झगड़ा करेंगे। धर्मेंद्र भी? क्यों नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा भी? अरे वो तो झपटेगा। प्रेम बाबू, धर्मेंद्र भी मेरे साथ काम करेगा, राजेश खन्ना भी, शत्रुघ्न भी। ओह, मैं एक बड़ी फिल्म स्टार बन जाऊंगी, मुझे शोहरत मिलेगी, मेरे पास बड़ी बड़ी कारें होंगी और लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरे माँ बाप मुझ पर फख्र करेंगे। सपना देख रही? हाँ, कितना प्यारा सपना था। किसको देखा सपने में? राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, तुम्हें मेरे सिवा और किसी का सपना नहीं देखना चाहिए, मुझे जलन होती है। प्रेम बाबू, सपना सिर्फ सपना होता है, कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। न जाने मेरा सपना कब सच होगा।
बहुत जल्दी। परसों ही मेरे यहाँ से धर्मदास जाने वाले हैं, जो कि बहुत बड़े फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनको अपनी नई फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश है। आपको बातें बनाना बहुत आता है सोना को, प्लीज संभालिए। फिल्मों के चक्कर में पड़कर वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगी। आजकल वो एक बदमाश आदमी के साथ घूमने फिरने लगी है। आंटी मुझे डर लग रहा है उसका पांव कहीं गड्ढे में न गिर जाए। मैं तो पहले ही कहती थी सोना को इतनी आजादी मत दो, उसे मत इतना पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन मेरी कुछ सुने तब ना। आंटी मैं चलती हूँ। अब चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलो, लड़की की शादी है, घर की दीवारों दरवाजों से तो हो नहीं सकती। क्यों, बॉम्बे में अपने नंदा साहब का लड़का राजेश बुरा है, डॉक्टर है, अच्छी खासी कमाई भी है उसकी। अच्छा, मैं इसे नंदा को चिट्ठी लिखता हूँ और ये शादी पक्की करता हूँ। सोना इधर आ, कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? मैं पूछ रही हूँ किससे मिलने गई थी? हमने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं, हमारी नाक कटवा दे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे, पेश शर्म पैदा होता मर जाते तो अच्छा था, मुझे ये दिल तो ना खराब करता। तुम जी, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है। खबरदार जो घर के बाहर कदम रखा, ताए तोड़ दे तेरी, पेश शर्म बेहया। हेलो, अरे भाई मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं सोना का ही इंतजार कर रहा था सेठ जी, पता नहीं आज वो अभी तक आए क्यों नहीं। जल्दी लेकर आओ, तुम्हें मालूम है ना कल सुबह मैं बम्बई वापस चला जाऊंगा। आप घबराइए नहीं, वो शाम तक आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। हाँ जी हाँ, वो तो नहीं आई मगर मैं आ गई हूँ, बोलो क्या मैसेज है। डालेंगे, इसमें घबराने की क्या बात है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुमसे कुछ कहने आई। देवी जी, शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, पता है ना। प्रेम, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ। तुम एक नीच और दलील इंसान हो जो भोली नादान और जवान लड़कियों को फंसाते हो। तुमने सोना को भी फंसा लिया है। तुम फोटोग्राफर नहीं हो, फोटोग्राफी सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहाना है जिसके जरिए तुम अपनी और घटिया लोगों की प्यास बुझाते हो। तुम फोटोग्राफर नहीं हो, एक दलाल हो, दलाल। लेकिन तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी, उसका क्या हुआ? शादी, और वो भी तुमसे? मेरी ज्योति भी नहीं करेगी। और ये भी सुन लो, तुम सोना को भी नहीं पा सकोगे। लेकिन डार्लिंग, आज तुम्हें हुआ क्या है? रोजी उठा चुकी हूँ। मैंने प्रेम दत्त की हत्या की है। मैंने ही प्रेम दत्त की हत्या की है। तुम्हारे रिवाल्वर से उसका खून किया है। मैंने अपने हाथों से उसकी जान दी है। मैं खूनी हूँ। ये तुमने क्या किया सोना? वो मेरी आबरू से खेलना चाहता था। फिर मैं तुम्हारे ताबे न रहती। सोना, याद रखना, प्रेमदत्त का खून तुमने नहीं, मैंने किया है। एक पति ने अपनी पत्नी के आबरू बचाने के लिए किया है। हाँ सोना, हाँ, यह खून मैंने किया है। दिनेश तुम? हाँ राजेश। इतने सवेरे आना पड़ा? टुडे आई एम ऑन ड्यूटी। मतलब? आई एम सॉरी राजेश, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों? प्रेमदत्त के खून के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछना है। तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। ऑलराइट। इतनी सुबह कहां जा रहे हो? ऐसे थोड़ा सा काम है। मुझे डर लग रहा है राजेश। इसमें डरने की क्या बात है पगली, जल्दी आ जाऊंगा। ओके, जग में जाना हो या हो Oh,
एक ऐसा मुकदमा है जिसमें हर बात एकदम साफ है। गवाहों की शहादत के बाद ये कहा जा सकता है कि इस खून के पीछे उस पढ़े लिखे आदमी का हाथ है जिसे समाज की नजरों में एक शरीफ और नेक इंसान समझा जाता है। यह ऑनर और वो शख्स है डॉक्टर राजेश नंदा। लोग ऐसे आदमी की पूजा करते हैं, इसे देवता समझते हैं, क्योंकि इस आदमी का पेशा है मरते हुए आदमी की जान बचाना। सरकारी वकील साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। डॉक्टर किसी की जान नहीं लेता, वो तो अपनी आखिरी सांस तक जनता और समाज की सेवा करता है। ऑनर ये भी एक ऐसा इंसान है। अफसोस तो इसी बात का है मेरे नौजवान फाजिल दोस्त कि डॉक्टर राजेश नंदा ने अपने पेशे के खिलाफ काम किया और अपने पेशे की कसम तोड़ दी। अपनी बीवी के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए जैसे होनहार फोटोग्राफर का खून किया। डॉक्टर राजेश नंदा एक ऐसा खूनी है जिसे ऑब्जेक्ट है ऑनर। सरकारी वकील साहब का एकदम से नतीजे पहुंचाना कि राजेश नंदा ने प्रेमदत्त का खून किया है, सरासर नाइंसाफी है। अभी तक इस बात को पूरी तरह साबित नहीं किया गया। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मुल्जिम राजेश नंदा के खिलाफ सिर्फ कत्ल का इल्जाम है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे कंटिन्यू। योर ऑनर, कोर्ट के सामने ये बात एकदम खुलासा हो चुकी है कि डॉक्टर राजेश नंदा की बीवी श्रीमती सोना देवी का मकतूल के साथ नाजायज संबंध था। क्या सबूत है आपके पास इस बेतुकी बात का? एक इज्जतदार घरेलू औरत पर कीचड़ उठाने का आपको कोई हक नहीं है। श्रीमती सोना देवी और मकतूल प्रेमदत्त होटल के कमरे में अकेले में शायद गिल्ली डंडा खेला करते थे या फिर पतंग उड़ाते रहे होंगे। और प्लीज, श्रीमती सोना देवी और मकतूल प्रेमदत्त की जान पहचान पूना में हो चुकी थी। योनर, गवाहों के जरिए इस बात को साबित किया जा चुका है कि सोना देवी और प्रेमदत्त कभी प्रेमदत्त के अपने स्टूडियो में या फिर किसी होटल के कमरे में अक्सर मिला करते थे। मकतूल ने सोना देवी की कभी नंगी तस्वीरें भी खींची होंगी, क्योंकि सोना देवी को फिल्मों में काम करने का शौक था और उसके लिए वो हर जायज और नाजायज कुर्बानी देने को हर घड़ी तैयार रहती थी। बेशतर इसके कि सोना देवी की ये ख्वाहिश में तब्दील होती, उनकी शादी डॉक्टर राजेश नंदा के साथ जल्द से जल्द कर दी गई और इस तरह सोना देवी और प्रेमदत्त के बीच एक दूरी की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन प्रेमदत्त ने आखिर सोना देवी का पता लगा ही लिया और वो बंबई आकर होटल अजंता में ठहर गया। वो यहां सोना देवी का मामा बनकर आया था, लेकिन सोना देवी ने झूठ को सच के गुलदस्ते में सजा दिया और हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके पति की मुलाकात प्रेमदत्त से न होने पाए। लेकिन झूठ सिर्फ झूठ होता है, वो एक दिन बेनकाब जरूर हो जाता है। जब डॉक्टर को अपनी बीवी की बेवफाई का पता लगा तो इनका खून खौल उठा और इन्होंने प्रेमदत्त को कत्ल करने का फैसला किया और इसको अंजाम देने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदा। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में हर आदमी रिवॉल्वर खरीदता है तो सिर्फ किसी का खून करने के लिए। हाँ, जाहिर है उस वक्त डॉक्टर राजेश नंदा के दिमाग में प्रेमदत्त का खून करने के अलावा और कोई बात नहीं रही होगी। वो अपनी बीवी का पीछा करते हुए होटल तक गए, वहां उन्होंने अपनी बीवी और प्रेमदत्त की प्यार भरी बातें सुनी और ऑब्जेक्शन यू ऑनर। ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड, यू मे कंटिन्यू मिस्टर सक्सेना। और फिर अपनी बीवी के जाने के बाद डॉक्टर राजेश नंदा ने मकतूल प्रेमदत्त के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही इन्होंने प्रेमदत्त पर हमला बोल दिया। इस अचानक हमले की वजह से प्रेमदत्त बौखला गया और उसने बचने की कोशिश की। डॉक्टर राजेश के हाथ में रिवॉल्वर देखकर वो बाथरूम की तरफ भागा। रिवॉल्वर से गोली निकली, प्रेमदत्त बच गया, लेकिन वो गोली दीवार में जा घुसी। योनर, रिवॉल्वर में शायद एक ही गोली थी। तभी डॉक्टर राजेश की नजर मेज पर रखे हुए छुरे पर पड़ी। इन्होंने लपक कर छुरा उठा लिया और तेजी से प्रेमदत्त के पेट में भोंक दिया। योनर, यही वो छुरा है जिससे प्रेमदत्त का खून हुआ और यह है वो रिवॉल्वर जिसे डॉक्टर राजेश नंदा अपने साथ ले गए थे खून करने के लिए, और ये रुमाल जिसके कोने पर आर कढ़ा हुआ है कमरे में डॉक्टर राजेश नंदा की मौजूदगी साबित करता है। इस तरह के बहुत से रुमाल इनकी बेवफा बीवी ने इनको दिए थे। तहकीकात के दौरान पुलिस को जो चीजें मकतूल प्रेमदत्त के कमरे में मिली उनमें यह रुमाल बहुत अहमियत रखता है। हमारे सीआईडी ऑफिसर मिस्टर दिनेश कई बार ऐसे ही रुमाल डॉक्टर राजेश नंदा के पास देख चुके हैं। मिस्टर दिनेश ने श्रीमती सोना देवी को कई बार होटल में आते जाते देखा था और इस बात का जिक्र डॉक्टर राजेश नंदा से भी किया था, लेकिन इन्होंने उस बात को हक के डाल दिया।
फिर भी ये हकीकत से कब तक ना वाकिफ रहते, और जब हकीकत की किताब इनके सामने खुली तो इनका खून खौल उठा और बदला लेने के लिए बेकरार हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि डॉक्टर राजेश नंदा जैसे समझदार आदमी ने नासमझी से काम लिया, बेवफाई की बीवी ने और जान गई किसी और की। अगर मेरी बीवी ऐसा करती तो मैं उसे वक्त उसका गला घोट देता। सरकारी वकील के मुंह से इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। आप ठीक कह रहे हैं, कानून को हाथ से लेने का हक किसी शख्स को भी नहीं। अभी आपको कुछ और कहना है? यस योर ऑनर, इस कत्ल के पीछे एक खास मकसद भी है। डॉक्टर राजेश नंदा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनकी बीवी का एक और आशिक जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह कत्ल किया है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि डॉक्टर राजेश नंदा को सजाए मौत दी जाए। मैंने किया है डॉक्टर साहब, बिल्कुल बेकसूर है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। श्रीमती सोना देवी, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है योर ऑनर, इनका बयान तो पहले एक बार लिया जा चुका है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि सोना देवी को दोबारा बयान देने की इजाजत दी जाए। इजाजत। मुझे मौत की सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। प्रेमदत्त का खून इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है, मैंने ही इस पर गोली चलाई थी। जज साहब, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ जज साहब। योर ऑनर, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि वो गोली प्रेमदत्त को नहीं लगी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गोली बाथरूम की दीवार में पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही साबित करती है कि प्रेमदत्त का खून छुरे से हुआ। जाहिर है ऑनर, यह खून ना तो राजेश नंदा ने किया और ना उनकी पत्नी सोना देवी ने। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां कत्ल के वक्त कोई तीसरा शख्स जरूर मौजूद था। ऑनर, वो शख्स शायद बाथरूम से पड़ा होगा। व्हाट्स अ वंडरफुल पॉसिबिलिटी, थैंक यू मिस्टर सक्सेना। ये भी मुमकिन है ऑनर कि वो शख्स बाथरूम में ही छिपा हो और छीना झपटी में जब प्रेमदत्त बाथरूम में गिर गया हो तो उस छिपे हुए आदमी ने उसके पेट पर छुरा फोड़ दिया, क्योंकि प्रेमदत्त की लाश बाथरूम में ही पाई गई थी। मिलाट, मेरे फादर दोस्त की कहानी बड़ी ही शानदार है, मेरे ख्याल में आप नॉवेल लिखना शुरू कर दीजिए। योर ऑनर, एक खास बात और नोट की जाए। मियां बीवी दोनों कहते हैं कि उन्होंने प्रेमदत्त पर गोली चलाई, लेकिन खून छुरे से हुआ योनर, और उस छुरे पर उंगलियों की निशानी नहीं है। योर ऑनर, मुजरिम एक होशियार आदमी है, शातिर खूनी है, इसने छुरे को रुमाल से साफ कर दिया होगा। अगर आपकी इस बात पर थोड़ी देर के लिए यकीन भी कर लिया जाए तो भी एक सवाल पैदा होता है कि मुजरिम ने अपना रुमाल वहां क्यों छोड़ दिया। योनर, उस कमरे में हाथापाई जरूर हुई होगी, क्योंकि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। डॉक्टर राजेश नंदा, इस कत्ल के सिलसिले में आप और कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ इतना जज साहब कि प्रेमदत्त का खून मैंने किया है। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, खून मैंने नहीं किया, मैंने किया है। सजा मुझे मिलनी चाहिए जज साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए। डार्लिंग, अब क्या होगा इन दोनों का? कुछ भी नहीं होगा डार्लिंग, मुझे पूरा यकीन है कि खून इन दोनों में से किसी ने भी नहीं किया। तुम सच में समझते हो कि खून और किसी ने किया है? हाँ डार्लिंग, खून ही कोई और ही है, कोई ऐसा नजदीकी का आदमी जिसे दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कौन हो सकता है? तुम हो सकते हो। मैं हो सकता हूँ, कोई और हो सकता है, इसमें डरने क्या बात है। दिन में कोट और रात में ये किताबें। डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? मैं डॉक्टर राजेश नंदा के बारे में सोच रहा हूँ। बेचारे को फांसी हो जाएगी, उसकी बीवी भी उसे नहीं बचा सकेगी।
इतना भरोसा है आपको अपने आप पर? देखो, तुम तो जानती हो कि मैं आज तक कोई केस नहीं हारा, और फिर मुजरिम ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल कर लिया? ये कैसे हो सकता है? छोटे से छोटा मुजरिम भी अपना जुर्म आसानी से कबूल नहीं करता, और फिर ये तो खून का मामला है। और क्या? और मुझे डॉक्टर की बीवी पर तरस आ रहा है। बेचारी भरी जवानी में विधवा हो जाएगी आपके हाथों। मेरे हाथों? अरे भाई, कानून खुद किसी गुनहगार को नहीं माफ करता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन वकील साहब, कई बार कानून के लंबे हाथ मुजरिम तक नहीं पहुंच पाते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप अपना ऑफिस बंद कीजिए, मुझे नींद आ रही है। योर ऑनर, सबूत के तौर पर अदालत पे जितनी चीजें पेश की गई हैं, उनमें से मूवी कैमरे का जिक्र सरकारी वकील ने अभी तक नहीं किया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस कैमरे की जांच पड़ताल की जाए, देखा जाए कि इसमें आखिर है क्या। मिस्टर सक्सेना, सबूत के तौर पर जिन एग्जिबिट्स को पेश किया गया है, उनमें से एक का आपने कोई जिक्र नहीं किया। मिस्टर वाला बलकर, जरा ये कैमरा तो दीजिए। आपने ये जानने के लिए कोई कदम उठाया कि मकबूल प्रेमदत्त ने इस कैमरे में क्या एक्सपोज किया? योर ऑनर, ये जरूरी नहीं कि कैमरे का इस्तेमाल मकबूल प्रेमदत्त ने किया हो। इस्तेमाल किसी ने भी किया, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसमें है क्या। मिस्टर सक्सेना, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये बेहतर होगा कि हम इस कैमरे की फिल्म को प्रोसेस करवाकर देख लें। क्या हाल है? अरे क्या हुआ? मैं मां बनने वाली हूं। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, इतनी सी बात के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रही? चलो कोई बात नहीं, फिल्म स्टार नहीं तो मां तो बन जाओगी। ये क्या बकवास है? देखो रेनू, किसी और का पाप मेरे सर पे थोपने से पहले
अपना इलाज करा लो। मैंने मजबूर होकर अपने ममता का गला घोट लिया। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई। सच्चारा साहब के रूप में मुझे एक अच्छा पति मिला, लेकिन प्रेमदत्त जहरीला नाक बनकर एक बार फिर मेरी जिंदगी में आ गया। मैं परेशान रहने लगी और सोचती कि मेरी तरह ना जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका होगा। इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे हाथों से एक पापी आदमी कम हो गया। उसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। प्रेम दत्त खुद मैंने किए। काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता। आज की जिंदगी में फिल्म की भी एक अहम जगह है। फिल्म जब तक एक्सपोज नहीं होती वो एक बेदाग चादर की तरह है जिस पर कोई भी तस्वीर उतारी जा सकती है। फिल्म के मीडियम से हम समाज का भला भी कर सकते हैं बुरा भी। मकतूल प्रेमदत्त ने बड़ा रास्ता अपनाया और उसको अपने किए का फल भोगना पड़ा। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना भी यह गलत कदम है। श्रीमती रेणु सक्सेना पर प्रेमदत्त के कत्ल का जुर्म साबित है, लेकिन मुकदमे के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सिर्फ 3 साल कैद सख्त की सजा दी जाती है। मुलजिम राजेश नंदा और उनकी बीवी सोना देवी को बाइज्जत बरी किया जाता है।